ओ उठो, खाना खाने का चल। क्यों ऐसा अभी क्यों नहीं? क्या है बोलती है? ग्रहण है। क्या ग्रहण? कह का ग्रहण? बारिश आ रही है। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण है तो 1 से 6:30 बजे तक रहता है, तब तक कुछ नहीं करना। 1 से 6:30 बजे तक तो कुछ खा नहीं सकते। ये किसने बोला तेरे को? खा नहीं, ऐसा नहीं, मैं कुछ कर नहीं कुछ सकती। करने का नहीं? तो मम्मी बोले कुछ खाती मत, नहाने के बाद फिर मैं खाऊंगी। कुछ भी, ये सब कहाँ से लाते तुम लोग? ये मतलब नया नया कहाँ से लाते? अम्मी अम्मी कहाँ से ये सब? होता है ऐसा, ऐसा रहता है ना, अगर तो जितने भी फॉरेनर के बच्चे हैं ना कुछ होता। वो लोग ग्रहण वहण देख के खाना नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने इधर ही चोच ले। अरे तो बिलीव है इसके लिए। ऐसा कौन सा बिलीव के मतलब कि खाना नहीं खाएगी, ग्रहण है तो ये क्या था? मैं खा सकता हूँ कि नहीं? तो अच्छा तू प्रेग्नेंट है तो तू नहीं खा सकती? हाँ, वो बेबी को इम्पैक्ट होता है इसके लिए। ग्रहण के टाइम पे खाना खाएंगे तो बेबी को इम्पैक्ट होता है। अंधविश्वास, पता नहीं भाई, होता भी होगा नहीं भी होता होगा हमको पता नहीं, आइडिया नहीं। बट तू अभी 2 घंटा खाना नहीं खाएगी? हाँ, धो के खाऊंगी। चल एक चीज अच्छी होगी, इसके बहाने तो जैसे बोलेगे नहाएगी। तो मैं मैं जा रहा हूँ खाती खाना खाने। बाय। ये देखो ग्रहण ग्रहण के बीच में खा रही है। हाँ क्यों, अभी क्यों खा रही है? कौन बोले खा सकती। बोला? अम्मी अम्मी तो पहले बोली नहीं खा सकती। देख लो अभी 5 बज रहे हैं, अभी खा रही है। खा रहे, बिंदास खा, कुछ नहीं होता है आज। खा चुपचाप यार। हेड्स ऑफ टू भाई लोग, जिन जिनके 2-4 बच्चे हैं, ये बच्चे हैं बेसिकली, कैसा संभाला रहेगा यार तुम लोग ने? मतलब ये सब वाइफ का क्रेविंग, फरमाइश, एंड एंड में बहुत भारी पड़ता है। मतलब कभी भी उठ के कुछ भी लेकर आना पड़ेगा। आज फरमाइश ये है कि आज लंच पे जाना है। मैंने 4 से 5 रेस्टोरेंट कॉल कर लिए, कुछ खुला नहीं है। सब डाइनिंग अभी भी बंद है फिलहाल, शायद 15 तारीख के बाद खुलेंगे। बट कुछ कुछ डाइनिंग चालू है अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो 4 बजे तक रख सकते हो। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कहाँ जाओ कहाँ जाओ। तो अभी मैं 1-2 रेस्टोरेंट और कॉल करूंगा और जाके पर्सनली देख के भी आता हूँ, तब फिर मैं लेके जाता हूँ। क्योंकि शी इज राइट कि उसने भी 6 महीने से बाहर मतलब कहीं लंच पे नहीं गए, हम लोग कुछ खाए नहीं है अभी तक। तो देखते हैं। आवाज सुनी? लगता है बहुत जोर की बारिश होने वाली है। तो मैं रेडी हूँ, वो नीचे रेडी खड़ी है, बस अभी हम लोग को निकलना है। हम लोग जा रहे हैं टेस्ट रेस, ज्यादा दूर नहीं, एवरशाइन नगर मलाड में, मेरे फ्रेंड फ्रैंक का ही कैफे है, वही बेटर लग रहा है ऑप्शन मुझे। हेल्दी भी खा लेंगे, कुछ ज्यादा ब्लोटी ब्लोटी भी नहीं होगा। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, जरा देखते हैं निकलते हैं। और मेरे बाल पहले से ऑलमोस्ट हो गए। तो बहुत टाइम बाद हम लोग लंच डेट पे जा रहे हैं। मौसम ऐसा है कि लंच नहीं लग रहा है, इवनिंग हो गई, तो ऐसा लग रहा है डिनर के लिए जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं, बताया जैसे मैंने, टेस्ट रेस जा रहे हैं। टेस्ट जबरदस्ती का गई है अभी नहीं लेके गया ना तुम्हारे साथ? सिर्फ सुना है मैंने। सब हेल्दी फूड मिलता है आपको मुझे। तो अभी हम लोग रिक्शा में बैठते हैं, जरा और देखो मेरे हाथ में सब क्या क्या, चॉकलेट पॉकलेट सब, छतरी वतरी पकड़ो। तो हम लोग आ गए टेस्ट फेस, और वो रहा टेस्ट फेस सामने, फ्रैंक बैठा है, फ्रैंक देख के हंस रहा है। हेलो फ्रैंक। हेलो, बल्क हो गए हो? बल्क बल्क हो गया? जीन्स थोड़ा लेना पड़ेगा बड़ा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये रहा टेस्ट फेस। चल संभाल के चल। तो तूने क्या लिया? कौन सा सैंडविच? फुल चिकन। और मेरे लिए कुछ आपको लगने जैसा चाहिए ना, मैं आपको तंदूर ले लो, मैं तो बोलता हूँ तंदूर प्योर प्रोटीन फुल। ओके हेल्दी खाएंगे आज। हेल्दी तंदूर तो हेल्दी भी और टेस्टी भी हो जाएगा। चलेगा तंदूरी बोल दो। तो आज हम खाएंगे हेल्दी खाना। हाँ। क्या हेल्दी नहीं खा रहे तो क्या खा रहे हैं? मतलब जंक खा रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट पहले जंक खा के अच्छा बॉडी बनाए, हेल्दी खा के हेल्दी को कैसे हो। पॉइंट टू बी नोटेड। पहले मैं दुनिया भर का जंक खाता था और फुल लीन था, सिक्स पैक, मतलब वो अलग ही टाइम था आपका। मतलब नहीं वो कैसा रहता है, एज मैटर करता है। 21-22 तक मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट रहता है ना कि तू कुछ भी खा हजम हो जाता है। मेरा कैसा होता था, खाते रहता था, सिर्फ खाते रहता दिन। अभी तो एक मील मैंने अगर खा लिया ना, 3 से 4 घंटे लगते पचाने के। दिन में सिर्फ 2 टाइम ही खाता हूँ मैं तो, खाना खा ही नहीं पता। अभी तो सबके डब्बे खाने, सबका डब्बा खा जा रहा हूँ। जो फर्स्ट ब्रेक, सेकंड ब्रेक, थर्ड ब्रेक, सिर्फ खाते रहता। अभी थोड़ी देर कर ले, तू कर ले, ले ले कर ले। अभी थोड़ी देर पहले है ना, उबेद भाई का कॉल आया, बोलते है कपड़े बांध लो हम लोग जा रहे हैं। बोला किधर? बोलते वो नहीं बताऊंगा, पर हम लोग जा रहे हैं। बोला ठीक है, कल मिलता हूँ, कल नहीं आज रात में। तो अभी मेन पंगा ये नहीं है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेन पंगा ये परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ती जल्दी दे, क्या बात है, अच्छा दिन जा रहा है मतलब मेरा। अच्छा इधर लेके इसके लिए पूछे। तो एक्चुअल में मुझे अभी बुलाया है, 8 बजे तक कैसे भी आ जाओ, उसके बाद में हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे वो नहीं बता रहे, और कितने दिन के लिए जा रहे वो भी नहीं बता रहे। तो मैं किस हिसाब से कपड़े लेके जाऊँ? मतलब देखो भाई, 3 दिन के हिसाब से पकड़ के चलता हूँ, उससे ज्यादा तो ये लोग होंगे भी नहीं, क्योंकि मंडे इनको ऑफिस जाना ही, कोई भी हाल में तीनों ऑफिस वाले बंदे, तो मेरे को इनकी हद पता है। आओ हैप्पी। बहुत
इसको मन नहीं होता है, इसको क्रेविंग होता है, खाती इतना सा है। चलेगा इडली मतलब है, वो तो मन कर रहा है। अरे भगाती तो मुझे ना मगर पूरा टाइम वो देगा मेरे लास्ट क्रेविंग। वाओ लुक्स यमी। एक बाइट देना है मेरे को भी, एक बाइट देना। ऐसा मुंह बना बना के खा रही है क्या? ऐसा लग रहा रू रू को जाके टच हुई तेरी ये। इतना अच्छा है, मेरे को एक बाइट देना। भाभी की सोच है मेरे लिए। क्या मंगाया मैंने? तंदूरी। ये मंगा लेना चाहिए था मुझे। ये क्या लेके आ गए? इतना सारा प्योर प्रोटीन। ओह माय गॉड, पूरा अक्खा मुर्गा। पिज़्ज़ा ब्रेड एंड हमस। थैंक यू फ्रैंक, थैंक यू। इसको सैंडविच इतना पसंद आया ना, इसका शक्ल देखना चाहिए था मैं। रुको वीडियो में तो रिकॉर्ड कर दिया, तुमको शक्ल दिखा। वाओ भाई ये तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है यार। खा के बताता हूँ कैसा है टेस्ट। बाप रे बाप, खा के नींद आ गई मेरे को तो। और कॉफी पी जा रही है। कैसा रहा डेट? मजा ही। अभी मुझे घर जाना है, जाके पैकिंग करनी है मुझे। तो मेरे घर आने के बाद में उबैद भाई का इतना कॉल आया। उबैद भाई का कॉल आया, फिर कलीम का कॉल आया, फिर बासित का कॉल आया। सब लोग कॉल करके बोल रहे कब निकलेगा। अभी 8 बज रहे, मैंने थोड़ी सी झपकी मार ली। बोला था 7 बजे इसको उठाने के लिए और ये उठा ही नहीं। मैं 7:45 बजे उठा। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सामान इतना है, ये बैग भी है, लैपटॉप वाला बैग भी है, तो बारिश जोरों की हो रही, लेके कैसे जाओ वो सोच रहा हूँ। क्या करूँ? ठीक है चलो देखते हैं। अभी फिलहाल मैं तैयार होता हूँ, मैं सीधा तैयार होकर आपको मिलता हूँ उबैद भाई के यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग मिले। अभी भी मुझे भाई नहीं बता रहे कि कहाँ जाने, नहीं बताऊंगा। देखो पहले तो मेरे को शक लग रहा था कि पोपट होने वाला है, मेरे को यहाँ बुला के लोगे ना वापस भगा देंगे, कहीं जा नहीं रहे करके कुछ भी ऐसा मुझे लगा। तो अचानक से आज पहली बार ऐसा हुआ कि 4:30 बजे शाम में बोलते कि अपने को 7 बजे निकलने का है, 9 बजे निकलने का। भाई कितने बजे बोले थे आने के लिए? 8 बजे। बताओ अच्छी जगह लेके कहाँ जाए? सिगरेट ले जाए। अभी से बता दो क्या था, फिर मजा क्या? सही है ना, तूफानी बारिश में अचानक से ट्रिप एडवेंचरस चाहिए था खुद को। ऋतिक रोशन समझ रहे हैं, टोर्नेडो के बीच में से करिश्मा चलक जाएंगे। भाई पेट पूजा हो गई, अभी बज रहे 11:20 पे निकले भाई। चलो कुरली जाके पहले बासित को उठाएंगे, घुसेंगे उसको गाड़ी में और फिर निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं वो मेरे को नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं ये भी सीक्रेट। अच्छा कितना घंटा लगेगा वो तो बताओ। आधा घंटे पहुंच जाएंगे चाचा। नहीं ट्रैफिक नहीं मिला तो दिन किधर है? अरे भारी खड़ा आदमी अभी। अरे बैठो ना भाई, बैठते क्या आज? हेलो बासित, व्हाट्सअप बहुत लेट भाई, आधे घंटे से क्या कर रहे थे नीचे खड़ा करके? मैं चाहता था कि ट्रिप में किसको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं पूरी चेकलिस्ट चेक कर रहा था। झूठ बोल रहा है क्या? फेंकता है बंदा। बोला हम लोग कलीम की गाड़ी मिली। ये क्या चलाता है तू? जूम इन यो, फोर व्हील ड्राइव ब्रो। क्या चला रहे कलीम? फेस भी है। अरे वो गाड़ी में मॉन्स्टर ट्रक, ये गाड़ी इसी गाड़ी में। अरे भाई बासित तू तो बता दे हम लोग जा रहे किधर है। ए भाई ऐसा किधर लेके जा रहे तू? वेट टिल मॉर्निंग मतलब कितने घंटे की ड्राइव है? ब्रो अगर इज्जत से क्या तो 7 घंटा। हाँ जिससे हम तो जाने वाले हैं नहीं। गोवा तो नहीं जा रहे ना पक्का? नहीं नो भाई, मैं 6 बार जाके आगे पक गया यार। मत गोवा नहीं प्लीज, ये जगह पक्का नहीं गए। लेफ्ट लू राइट लू? लेफ्ट ब्रो लेफ्ट। हेलो इधर से ही नहीं पता इनको लेफ्ट लू क्या राइट लू? यही तो मजा है। जा रहे किधर है कुछ नहीं पता। क्या कर रहे हो पांडे जी? ये आदमी है ना ये, स्माइल देखो उसकी, स्माइल देखो शर्मा आती है। चलो भाई निकल गए अभी, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये लोग, मुझे बता नहीं। सर जाएंगे किधर जा रहे हैं हम लोग भी बता नहीं। क्या मजाक कर रहे? सही सच्ची बोलो यार इंदा, तुम लोग मेरी ना फिल्म ले रहे। जस्ट निकल रहे थे और बासित को याद आया कि भाई उसकी एनर्जी ड्रिंक नहीं ली अब तक। देखो कैसे घूम रहा है बंदा, ऐसे दे दो। तो मैंने सबके लिए लॉलीपॉप ले लिया, अभी जो ज्यादा मुंह खोलेगा उसके मुंह में लॉलीपॉप। अभी उबैद भाई गर्म होएंगे थोड़ी देर में। तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लिया और ये लिया है, ये कितने है भाई? क्या बासित भाई कितना ले लिया भाई? 24 भाई। बासित ने सीधा ऊपर नहीं लिया टोल पे, मतलब भाई अपन ना ढापुले वापुले किधर जा रहे हैं? हम क्यों बताएं ये रास्ता? ढापुले वापुले किधर भी जा सकते हैं, रोड में नहीं। ये वाला जो मारे पेन वाला जो उधर ही जाते हैं। अरे उबैद भाई तो कौन सी जगह पे रुके अभी अपन? ये कोई तो पेट्रोल पंप है। तो मैं पूछ रहा था पेट्रोल कितने का भरा? कितना? 5,000 का पेट्रोल गया भाई, मतलब 50 लीटर डाले। 50 लीटर है भाई? 50 लीटर के आया। क्या क्या आवाज कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? आया आया ये सब
डालूंगा मैं, ये तो डालूंगा मैं। चलो चाय पियेंगे, चाय ओ चाय। मेरे पास है, चलो भाई कैश लेके आए। भाई अपन कहाँ रुके अभी? मैं पूरे व्लॉग में यही पूछता रहूंगा कि अभी चाय पीने रुके। बराबर चाय पीवानू, बिस्कुट खावानू, मजा आने लगे। आ गया अभी बीच में, क्या वो पता क्या बासित ने ना रॉन्ग वे में ले लिया, हाईवे पे रास्ता नहीं दिख रहा था। अरे परेशान उबेद भाई, कब से तुस्सो है भाई, पूरा छान मार लिए, ट्रकों के पीछे जाके देख लिए पर कहीं जा नहीं पाए। वॉशरूम मेरे को दिख रहा है भाई, देखो ना कितना बड़ा लिखा टॉयलेट वहाँ पे। अरे वो थोड़ी है। हाँ वो टॉयलेट लिखा है, देख ना इतना बड़ा। टूलेट है भाई। बारिश है भाग 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 भाग। आज उबेद भाई का तुस्सू का प्रॉब्लम कैंसल अभी हो रहा है, गाड़ी से जाऊंगा मैं। अरे क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया? ओ नो नो, फोकस नहीं कर रहा। हाँ आगे 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 आगे, फोकस नहीं कर रहा। बस हाँ बस, इधर है बटन इसके, यहाँ पे है लाइट। अरे यार उबेद भाई, घुमा फिरा के तुम कुरला लेके आ गए वापस। ये पहले का कुरला है। हाँ ये क्या कुरला है वापस? हम लोग पिछले जन्म में लेके आ रहे तुमको। तुम बोले घुमाने लेके जा रहे, तुम तो कुरला लेके आ गए, ऐसा क्यों? अभी सो जाओ। हाँ नेक्स्ट स्टॉप कुछ और लेगा। सांता क्रूज, सांता क्रूज, सांता क्रूज। चले चलो, क्या चलो, आ तो गए अभी भाई। सब सो रहे थे, बासित भाई कलीम गाल ये नहीं सो रहे थे, ये चला रहे और बोलते पहुंच गए। जरा देखे तो कहाँ लेके, ये गोवा लेके तुम समंदर में? यहाँ से सीधा समंदर में, व्हाट अ व्यू, वाओ। अरे भाई क्या जगह लेके आ गया यार तुम? ये भाई को क्या लगा गया, मेरे को बताएंगे नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा हम लोग किधर जा रहे। ये भूल गए कि गूगल मैप नाम की भी चीज होती है। जोक मारा। अपन भी थोड़ा बोलते ना प्ले कर रहे थे, अपन भी थोड़ा सा कैरेक्टर प्ले आ गए। बोला हाँ चलो बता देते, हमको नहीं पता। फेक चीजा कभी नहीं, खुद तो पूरे रास्ते सोते हुए आए। तो सो नहीं तो क्या करूं भाई, नींद आ रही थी। देखना चाहिए था ना आपको, कुरला घुमाया रात को अपने। हाँ नींद से उठा के कुरला, फिर इसके बाद में फिर काजू का, काजू कटप्पा क्या कुछ तो था वो जगह का नाम वहां पर। अरे वाह क्या प्यारा बंगला है। यहाँ से अभी ये कुछ लग रहा है ऐसे सरप्राइज, इन लोगों ने नहीं बताया फिर भी मैंने गेस कर लिया। मुझे लगा ये लोग रत्नागिरी लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता पड़ता है जो गूगल मैप में देख रहा था आज, मुझे रत्नागिरी साइड ही जा रहे हैं हम लोग ऐसा करके। बट ये वाला जो व्यू है क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरत है, एकदम खूबसूरत। थैंक यू सर, आपने मेरा विकेट बना दिया। कुटिया नंबर वन, कुटिया नंबर टू, ऐसे छोटे छोटे कॉटेज है 3-4। कौन सी भाई अपनी कुटिया? और ये रहा हमारा कुटिया, नहीं बाथरूम में दिखाऊंगा। नाइस, ओके ओके रूम। इट्स अबाउट द व्यू। यस प्लीज। वाओ एक नंबर। नाश्ते का वेट करते करते सबने झपकी मार ली थोड़ी सी, एक घंटे के ऊपर। तुम सोते भी किधर हो वैसे भी? तो तुम तो कलीम बासित और मैं सो गए थे एक डेढ़ घंटे बाद वापस। अभी जब नाश्ता है तो नाश्ते के लिए। अभी हम लोग कहाँ रुके हैं, कौन सी जगह पे है, ये सब मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसको यहीं रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट भाई लोग। पीस आउट, पीछे से कौन नहीं आता? पीस आउट। पीस आउट, पीस आउट। एक मिनट, इसको 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 दो, इसने नहीं किया। इतने अनइंटरेस्टेड लोग ये लोग। जाने दो भाई, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, बस सोता हूँ मैं। बाय बाय बाय।